ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। और आज हम सुगंध का विलोम शब्द के बारे में बड़े ही विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सुगंध का विलोम शब्द पूरी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुगंध का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों, सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध होता है। सुगंध का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सुगंध का मतलब खुशबू जो हमारे मन को भाती है, वह हमारे लिए सुगंध होती है। सुगंध को महक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सुगंध की एक सही परिभाषा देना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो भले ही सुगंध के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वे कुछ लोगों के लिए दुर्गंध जैसे होते हैं। खैर, सुगंध की दुनिया बहुत ही अलग है। इत्र के अब तो मार्केट के अंदर एक से बढ़कर एक ब्रांड आपको मिल जाएंगे, और सस्ते से लेकर महंगे तक मिल जाएंगे। दुर्गंध का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। दुर्गंध का मतलब होता है जो हमें मानसिक या वैचारिक रूप से बेकार लगती है, वह दुर्गंध है। असल में सुगंध और दुर्गंध हमारे नाक और दिमाग की प्रतिक्रिया मात्र होती है। नेचुरल रूप से कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि मरे हुए जानवर की जो दुर्गंध आती है वह दुर्गंध है। इसी प्रकार से खराब चीजों से निकलने वाला गंध दुर्गंध होता है। इस तरह से सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध होता है, जो कि हमने जान लिया है। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, बताना न भूलें। इसके साथ ही ऐसे ही विलोम शब्द जानने के लिए चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।